ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्य मस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वगीसाक्षीहुतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। ये श्रीमद् भगवत गीता के छठवें अध्याय का 41वां श्लोक है। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह चुके हैं कि देखो अर्जुन, जो ध्यान करता है उसकी जो दुर्गति नहीं होती है तो फिर क्या होता है? दुर्गति नहीं होती फिर कौन सी गति होती है? यह बात इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं इस श्लोक में कि प्राप्य पुण्य कृताम लोका नुषित्वा शाश्वती ही समहा शुचिनाम समताम गेहे योग भ्रष्टा अविजायते। प्राप्य पुण्य कृताम लोकम लोकान उषित्वा शाश्वती समा शुचिनाम श्रमिताम गेहे योग भ्रष्टा अविजायते। तो जो योग भ्रष्ट होते हैं, योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यकृतम यानी पुण्यवानों के लोकान यानी लोकों को अर्थात स्वर्गादि उत्तम लोकों को प्राप्त यानी प्राप्त होकर शाश्वती यानी बहुत समय यानी वर्ष वर्षों तक उषित्वा यानी निवास करके शुचिनाम यानी शुद्ध आचरण वाले श्रीमताम यानी श्रीमान पुरुषों के गेह यानी घर में अभी चाहते यानी जन्म। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोगों को अर्थात स्वर्गादि उत्तम लोगों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों निवास करके शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। सच्चिदानंद परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जो कि सच्चिदानंद का स्वरूप बनकर मनुष्य के रूप में अवतरित हुए थे, जो अनंत अनंत आकाश गंगाओं के एकमात्र मालिक है, जो स्वभावतः अस्तित्व है, जो निर्गुण निरंजन निराकार निरअवयव है, जो अकर्ता अभोक्ता अजन्मा है, जो आत्मस्वरूप है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझा रहे हैं और ज्यादा आत्मविश्वास से भर रहे हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन जो इस आध्यात्म योग से किसी कारण से लोग हट जाते हैं या जो पूरी तरह से यात्रा नहीं कर पाते, जैसे कोई हवाई जहाज अपने मार्ग से कुछ हट जाए और गलती से उस मार्ग से हटने के बाद या वर्ष या ज्यादा आंधी आ रही हो और उड़ नहीं सकता हो, उसको दिल्ली जाना हो तो उसको जयपुर में उतार देते हैं थोड़ी देर के लिए।
वो जयपुर में थोड़ी देर रुकता है, जब तक दिल्ली जाने का मार्ग ठीक होता है तो जयपुर से दिल्ली जाता है। बस ये स्थिति आप समझ लो योग दृष्टि की। कोई ऐसी परिस्थिति हो गई उसके जीवन में, कोई बड़ा लपेटा चपेटा आ गया, किसी प्रकार का कोई प्रकृति जन्य विकार आ गया, उस विकार में मूर्छा आ गई, एक क्षण की मूर्छा का पता नहीं है कितने वर्षों में वो पूरी टूटेगी, कुछ कह नहीं सकते। एक आदमी स्नानागार में बाथरूम में नहा रहा था, आंखों में साबुन लगा था, हाथ से उसके साबुन छूट गया, साबुन की बट्टी छूट गई, वो साबुन की बट्टी उठाने के लिए ढूंढ रहा, हटाटोल रहा, गलती से उसका पैर उस साबुन की बट्टी में पड़ गया, वो फिसल गया, दीवार से सिर टकरा गया, इतनी जोर से सिर टकराया वो कोमा में चला गया, बेहोश हो गया, आईसीयू में भर्ती हो गया, और पता नहीं कितने महीनों बाद वो होश में आया। ऐसे ही कोई व्यक्ति छोटी मोटी गलती के कारण जब अपने इस आत्म मार्ग की साधना से विचलित हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है, तो हम उसको योग भ्रष्ट कहते हैं कि योग से वो भ्रष्ट हो गया। पथ भ्रष्ट होता है, योग भ्रष्ट होता है, आचरण भ्रष्ट होता है, धर्म भ्रष्ट होता है, तरह तरह के नैतिक भ्रष्ट होता है, तरह तरह के भ्रष्ट लोग होते हैं, चरित्र भ्रष्ट होता है, ऐसे तरह तरह के लोग होते हैं। तो भ्रष्ट का मतलब यह है कि जो उसको निर्धारित, उसके लिए जो निर्धारित रोड मैप था वहां से वो हट गया, क्योंकि परमात्मा को प्राप्त करने का जो निर्धारित रोड मैप है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि वो है साक्षी, फिर वो ध्यान, फिर है भान, फिर है जागरण और फिर है परम जागरण। इन पांच अवस्थाओं में से किसी भी एक अवस्था में यदि कोई व्यक्ति भटक गया, हट गया, भ्रष्ट हो गया, तो फिर क्या होगा? ऐसा नहीं होगा कि वो भ्रष्ट हो गया है तो उसकी सारी तपस्या, सारी साधना समाप्त हो जाए। तुम्हारे जैसा काम नहीं होता कि कोई आदमी तुमसे 10 साल तक तुम्हारे साथ रह रहा है और उसने 10 साल तक तुम्हारे साथ बड़े एहसान किए, तुम्हारी सेवा की, तुम्हें साथ दिया, तुम्हारे सुख और दुख में खड़ा रहा, और कभी मामूली से उससे कोई गलती हो जाए जीवन में, या गलती ना हो और उसके प्रति तुम्हारी कोई गलत फहमी हो जाए, या कोई गलत फहमी ना हो और तुम्हारे परिवार का आदमी उसके बारे में तुम्हारे मन में कोई घृणा भर दे, तो तुम उसके 10 साल की, 20 साल की जो रिलेशन है, उसके तपस्या है, उसका प्रेम है, उसने जो साथ दिया है, तुम एक मिनट में भुला देते हो। परमात्मा ऐसा नहीं करता। तुम ऐसा नहीं सोचते हो कि इस आदमी ने 20 साल से मेरा साथ दिया है, इससे ये गलती हो गई है, चलो मैं इसको क्षमा कर दूं, इसको ओवरलुक कर दूं, इसको कह दूं ठीक है अपने रिलेशन वैसे ही रहेंगे, वो गलती हो गई कोई बात नहीं, इसको भूल जाओ, सपने में डाल दो। तुम ऐसा नहीं करते, है ना? मेरे कुछ मित्र आ गए, उनको मैं जोड़ लेता। तुम ऐसा नहीं करते हो, कहां गया? तुम ऐसा नहीं करते हो। तुम क्या करते हो? तुम उनके 10 वर्ष की पूरी मेहनत को धूल में मिला देते हो, मिट्टी में मिला देते हो। अब तुम क्या करते हो कि उस व्यक्ति को एकदम से अपने जीवन से बाहर निकाल देते हो। पर परमात्मा ऐसा नहीं करता। परमात्मा क्या कहता है कि प्राप्य पुण्य कृताम लोकाम। फिर क्या करते हैं परमात्मा? उस व्यक्ति को जिसने ईमानदारी से और सच्चाई से
परमात्मा के मार्ग में थोड़ी बहुत अच्छे से यात्रा की है, परमात्मा उसकी यात्रा को समाप्त नहीं करते। उसकी यात्रा ऐसा नहीं है कि उसकी यात्रा बर्बाद हो जाएगी, उसकी वह यात्रा सुरक्षित रहती है। और यदि गलती से परमात्मा का पूर्ण ज्ञान प्राप्त होने के पहले उसका शरीर छूट गया तो भगवान क्या कहते हैं कि प्राप्य पुण्य कृताम लोकान, उसको ऐसे रिटायरिंग रूम्स में भेजते हैं जहां मीरा रही। ऐसे कुछ रहस्यपूर्ण चीजें हैं ये जो अभी इस प्रवचन में नहीं बताई जाएगी। बस उसको संक्षेप में यही बताया जाएगा कि उनका जो सूक्ष्म शरीर है वो विश्राम करता है कई कई वर्षों तक, क्योंकि आपको पता नहीं जब आपकी पृथ्वी पर 100 वर्ष व्यतीत होते हैं तब किसी लोक में एक दिन होता है। जब आपके 100 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं, इसको यूं समझ लो कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन लगाती है। यदि कोई ग्रह है वो सूर्य का चक्कर लगाने में 900 दिन लगाता है तो उसका एक वर्ष 900 दिन का होगा। ऐसे ही कोई दूसरे ग्रह होते हैं, उन ग्रहों में उन लोकों में जहां ये दिव्य आत्मा रहती है वहां दिव्य वर्ष होते हैं। मुझे एक छोटी सी बात याद आई, आप में से जिन लोगों ने और महाभारत पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि भगवान बद्रीनाथ की अपन यात्रा में जाते हैं, बद्रीनाथ मंदिर के वहां जाते हैं तो वहां कुछ गुफाएं हैं, व्यास गुफा, गणेश गुफा, एक है मुचकुंद गुफा। तो ये मुचकुंद जो है भगवान राम के वंशज राजा थे, और ये मुचकुंद जी जो हैं वो देव दानव संग्राम में देवताओं की तरफ से लड़े, और जब वो स्वर्ग से वहां से लौट कर आए, उन दिव्य लोकों से लौट कर आए पृथ्वी पर, तो उन्होंने ऐसा पाया कि जिस पीढ़ी को वो छोड़ गए थे उससे 100-150 पीढ़ी आगे व्यतीत हो चुकी हैं, उनको कोई पहचानने वाला भी नहीं है कि ये कौन है। अभी आपके पास आपको 150 साल पुराने कोई फोर फादर आ जाए आप उनको नहीं पहचान सकते। अरे पिताजी के पिताजी, पिताजी के पिताजी, पिताजी के पिताजी अगर आ जाए, अगर 5-6 पीढ़ी पहले के भी आ जाए तो भी आप नहीं पहचान पाओगे। तो मुचकुंद ने देखा, अरे मेरे पत्नी बच्चे और उनके बच्चे वो सब मर चुके हैं, कोई मुझे पहचानने वाला नहीं है। तो वो वापिस स्वर्ग लोक में गए और वहां इंद्र ने पूछा कि तुम क्या चाहते हो, तो उनने कहा भाई मैं तो बहुत थक गया हूं युद्ध लड़के, अब मैं आराम करना चाहता हूं, विश्राम, सोना चाहता हूं, लंबी नींद सोना चाहता हूं। तो जब उनसे ये पूछा गया कि लंबी नींद, तो उन्होंने ठीक है काम करते हैं कि बद्री का वन जो है जहां पर बेरों का जंगल है इसलिए इसको बद्रीनाथ बोलते हैं, तो बेरों के जंगल में जहां कांटे कांटे हैं कोई जा ही नहीं सकता, वहां एक गुफा में उनको लिटा दिया गया और वो गहरी निंद्रा में सो गए, और सुरक्षित गुफा में कोई आ जा भी नहीं सकता था। लेकिन इसका एक वरदान उन्होंने सोते समय मांगा, जो मुझे नींद से जगा देगा, अगर जो मुझे नींद से जगाएगा तो मेरी आंख खुलते ही वो भस्म हो जाएगा। तो जब भगवान श्री कृष्ण
जरासंध को मरवा के और शिशुपाल को का गला काटने के बाद जब भगवान उस युद्ध से लौटने लगे तो उन्हीं का एक भाई बंधु जो शत्रु था वो भगवान को मारने के लिए पीछे दौड़ा। भगवान जानते थे कि इसको वरदान है, ये अपने से मरेगा नहीं और मारना ठीक नहीं। तो भगवान दौड़ते गए वो पीछे आता गया, ये दौड़ते गए वो पीछे आता गया। भगवान उसी गुफा में जाके और अपना जो पीतांबर था वो मुचकुंद जो सो रहे थे उनको उड़ा के भगवान एक पत्थर के नीचे उस गुफा में पीछे छुप गए। जब ये सज्जन दौड़ते हुए आए, सज्जन कहना तो ठीक नहीं होगा, जैसे हमारे कुछ हिंदुस्तान के मित्र हैं कुछ दुष्टों को अच्छे संबोधन से नाम देते हैं वो, लेकिन उनको वो राक्षस जब पीछे दौड़ता हुआ आया तो भगवान को ही सोया हुआ समझा उसने। कहा अच्छा यहाँ पर मेरे को बेवकूफ बना रहा है, यहाँ सो रहा है मेरे से छिपके। तो उसने जोर से लात मारी, जो मुचकुंद सो रहे थे उनको खूब जोर से लात मारी, इतनी जोर से लात मारी कि उनका पूरा जो मस्तिष्क है वो एकदम से कंपित हो गया और उनकी आंख खुली तो वो वहां भस्म हो गया। कौन वो राक्षस? तो कहने का तात्पर्य है कि जैसे वो विश्राम कर रहे थे मुचकुंद, ऐसे ही जो पुण्यकृताम किसको कहते हैं, जो पुण्य कर्म किसको कहते हैं, ये तुम्हारे संसार के पुण्य कर्म करना ये कोई पुण्य कर्म नहीं माने जाते। सबसे बड़ा पुण्य कर्म है अपने अंदर मौजूद परमात्मा को जानने का प्रयास करना, आत्मज्ञान का प्रयास, यह सबसे बड़ा पुण्य कर्म है। वाल्मीकि रामायण में लिखा है जो व्यक्ति अपने आत्म स्वरूप को नहीं जानता वो व्यक्ति पापी ही है, चाहे कितना भी पुण्य कर ले। वाल्मीकि रामायण ने लिखा, भगवान वाल्मीकि ने कहा है, ये बात मैं नहीं कह रहा। जिसको आत्मज्ञान नहीं है, जिसको तत्व बोध नहीं है, वो व्यक्ति कितना भी पुण्य कर दे, हजारों हवन कर दे, यज्ञ कर दे, व्रत कर ले, उपवास कर ले, तीर्थ यात्रा कर ले, कुछ भी कर ले, जिसको आत्मबोध नहीं है वो पापी ही है, ये बात वाल्मीकि रामायण में लिखी है। तो वो व्यक्ति जो परमात्मा को जानने के लिए साक्षी का ध्यान करता है उस व्यक्ति के लिए भगवान कहते हैं कि पुण्यकृताम, वह व्यक्ति पुण्य करने वाला है। लोकाम, वह अच्छे लोकों में अनुषित्वा शाश्वती समा, वो वहां पर विश्राम करता है और बहुत वर्षों तक विश्राम करता है, जैसे मुचकुंद ने बहुत वर्षों तक विश्राम किया। जरूरी नहीं कि मीरा तो 4,800 साल बाद जन्म ले ली, लेकिन रावण जैसों की आत्मा तो नहीं ली इतनी जल्दी जन्म। वो तो एक युग में एक ही रावण होता है और एक युग में एक ही कंस होता है, एक युग में एक ही हिरण्यकश्यप होता है। जब पापियों की आत्मा इतनी प्रतीक्षा करती है, वहां भी कोई उनकी व्यवस्था भी भगवान ने की हुई है, पापियों की भी और पुण्यात्मा की। पापी पाप के लिए तैयार बैठा रहता है, पुण्यात्मा परमात्मा के लिए तैयार बैठा रहता है। चोर चोरी करने की ताक में रहता है और सेवा करने वाला सेवा करने की व्यवस्था में रहता है, और ज्ञानी ज्ञान देने की ताक में रहता है कि किस कोई मिले तो ज्ञान दिया जाए उसको। तो फिर क्या होता है कि जब इन लोकों में वो वर्षों रह लेती है जीवात्मा, तो सतगुरु के जो दिव्य पुण्य है, जो सतगुरु के सानिध्य में
और कृतार्थ करने वाले पवित्र वचनों से जो व्यक्ति प्रकाशित हुआ है इस जीवन में और इंद्रियों से हटकर जीने का अभ्यास जिसने किया है, जिसने आत्मा की प्राप्ति के लिए भले ही उसने पूरी यात्रा नहीं की पर जिस क्षमता को आत्मा की प्राप्ति के लिए मूल कारण माना गया है उस क्षमता में कुछ क्षण वो जिया है, फिर कहीं उसकी क्षमता मान लो टूट गई, वो पूरी तरह से आत्म साक्षात्कार को यानी सुपर एनलाइटनमेंट को, बुद्धत्व को, जीवन मुक्त अवस्था को उपलब्ध नहीं हो पाया, ऐसा योग भ्रष्ट जो पुरुष होता है वो पवित्र ऋषि मुनियों, ब्रह्मवेत्ताओं, मनीषियों, परम भक्तों, साधकों, तत्ववेत्ताओं के वीर से प्रसर होकर इस धरती पर आता है। कैसे लोगों को जिसकी जो मति है, जिसकी जो प्रज्ञा है, उसमें श्री अर्थार्थ परमात्मा के प्रेम और ज्ञान की समृद्धि है। भगवान कहते हैं, अब आप विचार करो, यदि ऋषि मुनि जो प्राचीन काल में वन में रहते थे उनको राजा अपनी कन्याएं अर्पण करके आते थे, विवाह करके आते थे ऋषि पुत्रों से, अरुंधति और अनसुईया, गार्गी मैत्री और मदालसा, ये सब उदाहरण है उन ऋषि पत्नियों के और ब्रह्मवेत्ताओं की पत्नियां। तो ब्रह्मवेत्ता यदि संतान उत्पत्ति करता है तो वह समाज के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ब्रह्मवेत्ता के तेज और ओज को प्राप्त करने के लिए उनकी जो पत्नी हो, अर्धांगनी हो, वह भी उतनी पवित्र होना ही चाहिए, अन्यथा मरुस्थल की रेत में आम के पेड़ नहीं लगाए जा सकते। आज क्या कारण है भारत के पिछड़ने का? ना तो ब्रह्मवेत्ता हैं और ना ऐसी रत्न प्रसवा माता बची हैं जो ब्रह्म ज्ञानियों को जन्म दे सके। आज सदगुरुओं का अकाल इसलिए पड़ गया है, ब्रह्मज्ञानियों का अकाल इसलिए पड़ गया है, बहुत बड़ा नुकसान है इस पृथ्वी का, क्योंकि हमारे यहां ब्रह्मवेत्ताओं को के बारे में लोगों ने बड़ी गलत गलत बातें उड़ा रखी। क्या वशिष्ठ ब्रह्मवेत्ता नहीं थे? क्या विश्वामित्र ब्रह्मवेत्ता नहीं थे? क्या अत्रि ब्रह्मवेत्ता नहीं थे? ये सब विवाहित पुरुष थे, इनकी पत्नी थी और बच्चे थे। तो हमारे यहां समाज में लोगों ने बात क्या उड़ा रखी है कि ब्रह्मवेत्ता तो रंड भुसंड होना चाहिए, मतलब शादी ब्याह ना करे, बड़ा सा पेट हो उसका, बड़ा सा आश्रम हो उसका, बहुत सारे चेला चेलियां हो, उसके पास बड़ी रॉक्स रॉयल कारें हो और उसको बहुत लोग मानते हो, वो ब्रह्मवेत्ता। तो तुम लोगों की जो परिभाषा है इसलिए तुम अंधे हो गए हो कि तुम गलत ढंग की चीज, तुम जो है बबूल में भट्टा ढूंढ रहे हो, बबूल में आम के फल ढूंढ रहे हो, तुम्हारे जो तथाकथित
ब्रह्म वेत्ता है वो इसी तरह से तुम्हारे साथ उनकी संगति बैठ जाती है, क्योंकि तुम जो चाहते हो वो वैसा ताम झाम जमा लेते हैं। और जो सच्चे ब्रह्म वेत्ता होते हैं वो तुम्हारे हिसाब से ताम झाम नहीं जमाते, वो तो जो ओरिजिनल होते हैं उनका जो स्वभाव होता है बस उसी ढंग का होता है। जनक ब्रह्म वेत्ता थे लेकिन राजा थे, अष्टावक्र ब्रह्म वेत्ता थे लेकिन संत थे, सुकुमुनि ब्रह्म वेत्ता थे लेकिन वो बड़े बड़े व्याख्यान दिया करते थे, कबीर ब्रह्म वेत्ता थे लेकिन वो एक सामान्य परिवार में जन्म लिया था, नानक ब्रह्म वेत्ता थे लेकिन वो किसान थे, रविदास ब्रह्म वेत्ता थे लेकिन वो चमड़े के जूते बनाते थे, कुंभा कुमार ब्रह्म वेत्ता थे लेकिन वो घड़े बनाते थे, नामदेव ब्रह्म वेत्ता थे लेकिन वो दर्जी थे। तो ब्रह्म वेत्ताओं के बारे में अभी हजार दो हजार साल से गलत धारणाएं समाज में ढोंगियों ने, और बहुत बड़ा माया जाल है पंडितों का। एक कबीर साहब का जो दोहा है वो मतलब गीत है, उसमें कहा गया है माया महा ठगनी हम जानी, पंडा के मूरत बन बैठी तीरथ में भाई पानी। तो ये जो माया है इस माया ने तुम्हारे आध्यात्मिक दृष्टि को भी मोतियाबिंद कर दिया है, तुम्हारी आंखों में धुंधलापन कर दिया है। तो जो यहां भगवान कह रहे हैं कि श्री सुचिनाम श्री मताम के है, श्री मताम का मतलब होता है जिनकी मति में श्री है, श्री यानी श्री हरि भगवान की, जो सच्चा स्वरूप है भगवान का उसको वो जानते हैं, उतना उनके अंदर वो श्रीमत श्रीमंत और श्रीमती है। क्यों? कि वही तो सच्ची समृद्धि है, वही तो सच्चा धन है। गौ धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आए संतोष धना सब धन धूल समान। जो संतोष धन है वो कब आता है? ज्ञान के बाद आता है। अज्ञानी कभी संतोषी हो ही नहीं सकता। अगर अज्ञानी संतोषी है तो ऊपर ऊपर ढोंग कर रहा है, अंदर अंदर से मरा जा रहा है चीजों के लिए। तो जो सुचि नाम, सुचि मतलब पवित्र, कैसे पवित्र? जो जिनके अंदर परमात्मा का ध्यान करते 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 वो ब्रह्म में रूपांतरित हो चुके हैं वो लोग पवित्र। श्रीमताओं जिनकी जो मति है वो बहुत समृद्धि अत्यंत जो समृद्धि का द्योतक है ब्रह्म ज्ञान परमात्मा ज्ञान उसको वो प्राप्त किए हुए हैं। तो ज्ञान की समृद्धि ही सबसे बड़ी समृद्धि है, प्रेम की समृद्धि ही सबसे बड़ी समृद्धि है, शील की समृद्धि ही सबसे बड़ी समृद्धि है। और सतगुरु से समर्पित हो जाओ और सतगुरु से संपर्क तुम्हारा हो जाए, सतगुरु के परिवार के अंग के समान हो जाओ, वह बहुत बड़ी समृद्धि है। और गुरु की कृपा ये और भी बड़ी समृद्धि है। और सात्विक आहार विहार से और गुरु के मार्गदर्शन में साधना करना यह समृद्धि का द्वार है, समृद्धि प्राप्ति का एक साधन है। और हरे भरे ऐसे हरे भरे घरों में, ऐसे समृद्ध घरों में योग भ्रष्ट जीवात्मा जन्म लेता है। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, मेरे भक्तों, मेरे शिष्यों, तुमको बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुमको चिंता नहीं करना है। तुम इस साधना को बेधड़क होकर करो, मुक्ति अवश्य तुम्हें मिलेगी, अंतिम सत्य अवश्य तुम्हें मिलेगा, तुम्हारे अंदर का ब्रह्म कमल अवश्य खिलेगा, तुम परमात्मा के रूप में अवश्य रूपांतरित होगे। और ऐसे भक्तों को दुनिया में लाने के लिए ऐसी माताओं की भी जरूरत है, पिताओं के साथ साथ। उनके पिता तो ब्रह्म वेत्ता हो लेकिन माता भी ऐसी होना चाहिए जो ब्रह्म वेत्ता हो, ध्यान करती हूँ, समता हो जिनमें, जो सतगुरु की भक्त हो, जो अपने पति में
परमात्मा का दर्शन करके अपने पति के साथ सामंजस्य मिलाकर जीवन के बड़े बड़े दुखों को झेलकर और बिना किसी से घृणा किए और बिना अपने पति को दुख दिए या नकारात्मकता लाए अपने पति को ऊपर उठाने के लिए, अपने पति को ज्ञान तक ले जाने के लिए जो हर संभव उसकी सहायता और सहयोग करने वाली माताएं हों, ऐसी माताओं के कर्म से ब्रह्म वेत्ता योग भ्रष्ट पुरुष जन्म लेते हैं। इसलिए आज भारत में हमारी माता बहनें देवियां इनमें इस ध्यान की सात्विकता की प्रसार प्रसार बहुत आवश्यक है। अगर हमारी माता बहनें ये ध्यान करेंगी और वो बहुत सारी इस अवस्था अच्छी अवस्था में खड़ी हो जाएंगी, इसके बहुत सारे अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। इसलिए जो तत्ववेत्ता महापुरुष होते हैं उनका जो बीज होता है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्यों? कि उनके उसी बीज से ही तो योग भ्रष्ट इस पृथ्वी पर आ सकते हैं, वही तो प्रसर होकर आ सकते हैं। तो योग भ्रष्टों के जीवन का आधार इन महापुरुषों का यह बीज है। किंतु वो महापुरुष ऐसे नहीं होते, सामान्य जनों जैसा नहीं होते हैं कि लब लबेरिया करते फिरे, नहीं। बहुत पहले जब ब्रह्म ऋषि होते थे तो हमारे वेद शास्त्रों में लिखा हुआ है, स्मृतियों में लिखा हुआ है, केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही वो शरीर संबंध बनाते, केवल संतान उत्पत्ति के लिए। कोई 10 वर्ष में, कोई 5 वर्ष में, कोई 20 वर्ष में, कोई 25 वर्ष में, कोई 50 वर्ष में, कोई 200 वर्ष में, कोई 1000 वर्ष में, कोई 5000 वर्ष में, क्योंकि उस समय आयु भी 50-50 हजार वर्ष, 1-1 लाख वर्ष हुआ करती। कहते हैं कि सिंह गमन सत पुरुष बचन केल फरे एक बार, त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। आज तो सिंह भी भ्रष्ट हो गए, लेकिन प्राचीन काल में सिंह 12 वर्ष में एक बार सिंहनी के पास जाता, और सत्पुरुष ने एक बार अगर जो कह दिया वो कभी नहीं कट सकता, वो कभी नहीं हट सकता। सिंह गमन सत्पुरुष वचन केल फरे एक बार, केला एक बार फल दे देता है, उसमें गेर आ जाती है केलों की, इसके बाद उसको काटना पड़ता है, फिर दोबारा नहीं आएगी। जब माता बहनों के शरीर में त्रिया तेल, माता बहनों के शरीर में तेल चढ़ाया जाता है शादी के पहले, विवाह के पहले, तो हमने हमारे जीवन में ऐसी माता बहनें भी देखी हैं जिनके पति युवा अवस्था में शांत हो गए, पूरे जीवन भर वो अकेली रही और परमात्मा का ध्यान भजन करा उन्होंने, लेकिन परपुरुष की तरफ आंख उठा के नहीं देखा। आज तो बहुत भ्रष्ट हो गया है समाज। मैं ऐसा नहीं कहता कि विधवा विवाह ना करो, राजा राम मोहन राय ने किया, इस बात को ठीक है, लेकिन आज का समाज इतना भ्रष्ट हो गया है कि पति को जिंदा जिंदा पति को परेशान करके, और उस पर लोग माता जो बहने हैं वो कोर्ट कचहरी में केस लगा के, और कई कई माता बहने ऐसी भी करती जो पति को परेशान करने के लिए झूठे झूठे केस भी लगाती हैं पतियों पे, और पुरुष का जीवन नष्ट कर, और फिर उनका उनके तो विवाह का क्या कहना है। जैसे शूर्पणखा का भी स्त्री थी जो रोज ही 10-5 विवाह रोज कर लेती थी, और अपन सब समाचार पत्रों में आज
इस विश्व का हालचाल देख ही रहे हैं। आज तो शादी को रिलेशनशिप कर लिया ना, रिलेशनशिप नाम ही दे दिया लिविंग। शादी विवाह आजकल तो ऐसा हो गया जैसे एक संविदा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उनने कहा नहीं जमा तो तोड़ दो। और बहुत दुर्भाग्य है भारत का कि ऐसे इस ढंग से अगर माता बहनों का जीवन होगा तो वहां ब्रह्मवेत्ता जन्म नहीं लेंगे, ब्रह्मवेत्ता जन्म ले ही नहीं सकते हो। वहां तो फिर वही दुरात्मा ही जन्म लेंगे, धुंधकारी जैसे लोग ही जन्म लेंगे। इसलिए माता बहनों को भी विवाह के पहले आत्मज्ञान आत्म साक्षात्कार कराना आवश्यक है ताकि वो अच्छी मां बन सके। जब मां ब्रह्मज्ञानी होगी तो वो जीवन मुक्त महापुरुषों को जन्म देगी और परमहंसों को जन्म देगी। और यदि परमहंसों को जन्म नहीं दे सकी तो भी अगर सामान्य व्यक्ति भी होगा तो उसमें इतनी तो शुचिता सात्विकता आध्यात्मिकता इतनी तो ले आएगी कि कम से कम वो व्यक्ति किसी सदगुरु के पास जाके कम से कम योग भ्रष्ट की श्रेणी में तो आ ही सकता है। तो भगवान कहते ना अनेक जन्म संसिद्धि, तो परमहंसों की संभावित पीढ़ियों को जन्म दे सके। इसलिए माता बहनों को विवाह के पूर्व उनको ध्यान कराना चाहिए और बालकों को भी। ये सच्चिदानंद ध्यान जो है हम कराते हैं, ये सच्चिदानंद ध्यान बालकों भी कराओ, क्योंकि बालकों को अगर कराओगे तो उनके जीवन में शांति होगी, समता आएगी, संतोष होगा, आनंद का प्रकाश होगा। और जब बालक ध्यान करेंगे तो उनके जो वीर्य कण है उनमें दिव्यता आएगी, डिविनिटी आएगी, स्पिरिचुअलिटी आएगी। एक तरफ आप एक परमात्मा के ध्यान करने वाले व्यक्ति को देखो और एक तरफ जो बियर शराब अंडा खाता है मांस खाता है उस आदमी को देखो। दोनों का जो जेनेटिकल मटेरियल है वो भले फिजियोलॉजिकल एक सा हो लेकिन स्पिरिचुअली वो बहुत डिफरेंट होता है, अलग होता है। इसलिए यदि आपको इस समाज में इस विश्व में प्रकाशवान आनंद से भरे हुए और निर्मल लोगों को जन्म देना है तो आपको लड़कियों को मतलब कन्याओं को और बालकों को ध्यान कराना होगा। उनके अंदर आपको निर्मलता लानी होगी, शांति लानी होगी, समता लाना होगा, संतोष लाना होगा, आनंद लाना होगा, तभी वो शांति समता संतोष आनंद से प्रकाशित होकर स्वयं और वो अपने निर्मल कणों के द्वारा दिव्यता वाले भारत में अच्छे ज्ञानी महापुरुषों का प्रादुर्भाव कर सकेंगे और भारत में अच्छे ज्ञानी महापुरुषों का बाहुल्य होगा। और जब भारत में अच्छे ज्ञानी महापुरुषों का बाहुल्य होगा तो हम जैसे बाहर से बने हुए मेड इन जापान ऐसा सामान मंगाते हैं तो भारत के जो लोग विवेकानंद की तरह विदेशों में जाएंगे और विवेकानंद की तरह विदेशों में जाके अस भारत के परम दिव्य ज्ञान का प्रचार कर सकेंगे। इसलिए भारत जो है वो ज्ञानियों की फैक्ट्री है, भारत ज्ञानियों के प्रोडक्शन का स्थान है और अन्य देश इनको अपन यहां से ज्ञानी एक्सपोर्ट कर सकेंगे। और मेरे जितने भी विश्व में शिष्य हैं मित्र हैं वो चिंता ना करें, जहां वो बैठे हैं अपने मार्गदर्शन के द्वारा उनको वही ज्ञान करा दिया जाएगा। और चूंकि ज्ञान भारत से हम करा रहे हैं या भारत के ऋषि मुनि से कराते हैं तो वहां वो भी मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया वाली स्थिति होगी। ये तुम्हारे सामान बनाना मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया ऐसे काम नहीं चलने वाला है। अरे अच्छे मनुष्यों को जन्म देना, अच्छी माताओं को जन्म देना, अच्छे पुरुषों को जन्म देना
और ज्ञानी और समझू लोगों को, शांत लोगों को, समता में जीने वाले लोगों को, संतोष वाले लोगों को, आनंदित लोगों को, निर्मल लोगों को इस संसार में लाना और उन संसार को निर्मलता, शांति, आनंद इससे भर देना, यह हमारे ध्यान आंदोलन का उद्देश्य है। सतगुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शुभ।